हे गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में टर्बो वीपीएन ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। टर्बो वीपीएन क्या है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टर्बो वीपीएन ऐप को यहाँ पर सर्च करना है। तो गाइस, यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ टर्बो वीपीएन। तो गाइस, मैंने इस एप्लीकेशन को सर्च कर दिया है, हमारे सामने ये ऐप आ गई। इसको आपको पहले से यहाँ से डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने से पहले आप इसके रिव्यूज़, रेटेड और डाउनलोडिंग देख सकते हो। 4.6 इसको स्टार मिले हुए हैं, 7 मिलियन रिव्यूज़ है, 3+ रेटेड और 100 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। आप भी डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। ओपन कर दिया, फिर आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, फिर आपके सामने यहाँ पर एक पेड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर रॉन्ग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आपको यहाँ पर टैप टू कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका वीपीएन है जो इसमें कनेक्ट हो जाएगा। इसमें आप बड़ी बड़ी कंपनी, निजी प्राइवेट स्कूल के आप वीपीएन को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इस पर टैप टू कनेक्ट पर क्लिक करना है। इस गाजर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है, आपका वीपीएन जो कनेक्ट हो जाएगा। आपको ऑलवेज अलाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आपका यहाँ पर वीपीएन जो कनेक्ट हो जाएगा। टर्बो इज फाइंडिंग द फास्टर सर्वर, ये फास्टर सर्वर एप्लीकेशन है। आपका वीपीएन जो कनेक्ट हो गया है, देख सकते हो। वीपीएन कनेक्ट होने के बाद इसकी डाउनलोडिंग वगैरह देख सकते हो, आईपी और डाउनलोडिंग अपलोडिंग आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर सर्वर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं। बहुत सारे सर्वर है जो मिल जाते हैं, कंट्री देखने को मिल जाती है, लोकेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, आपको जिस भी कंट्री का आपको लोकेशन सेलेक्ट करके आपको वीपीएन जो कनेक्ट करना होगा। आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको अपग्रेड पर क्लिक करना है, आपका वीपीएन जो कनेक्ट हो जाएगा। वीपीएन हमारा कनेक्ट हो गया है। इससे आप डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर वीपीएन को डिसकनेक्ट कर दिया है। फिर आपको देख सकते हो आपके सामने एक ऐड आएगी, इस ऐड को यहाँ से क्लोज कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, रॉन्ग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके अपग्रेडिंग टू प्रीमियम देख सकते हो। अकाउंट बनाना चाहते हो तो अकाउंट भी बना सकते हो। इसको आप साइन इन करना चाहते हो, साइन इन कर सकते हो। सिलेक्ट थंबनेलिंग पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हो। वेबसाइट फिल्टर देख सकते हो, सेटिंग वगैरह देख सकते हो। सेटिंग में आपको प्रोटोकॉल्स, किल द स्विच, ऑटो कनेक्ट, ऑटोमेटिक कनेक्ट करने के लिए इसको ऑन करना है। स्लिप्ड टनलिंग, वेबसाइट फिल्टर, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। फिर आप इस पर क्लिक कर सकते देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑल वेबसाइट देखने को मिल जाए। ऑल वेबसाइट पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्वर है जो देखने को मिल जाएगी, लोकेशन देखने को मिल जाएगी कंट्री की। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि टर्बो वीपीएन ऐप कैसे यूज़ करते हैं। तो इससे आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।